गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, पेज नंबर 42 पे देखो एग्जांपल सब्ट्रैक्ट का फोर डिजिट नंबर, सब्ट्रैक्ट करना है फोर डिजिट नंबर का हमको। ध्यान से देखो एग्जांपल सब्ट्रैक्ट 3269 फ्रॉम 8539। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, फ्रॉम लगा हुआ था, फ्रॉम का क्या होता है सेकेंड नंबर में से हमको फर्स्ट वाले नंबर माइनस करनी होती है, यानी यहाँ पे 8000 बढ़े तो हम 8536 में से 3269 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डिजिट आपको लिख दी गई है। अब इसको ध्यान से देखना, राइट द नंबर इन प्लेस वैल्यू कॉलम विद द लार्ज नंबर एबो द स्मॉलर नंबर। हमेशा लार्ज नंबर जो होता है ऊपर की साइड लिखा जाता है और स्मॉलर नंबर उसके नीचे लिखा जाता है। अब सब्ट्रैक्ट द वंस, हम सब्ट्रैक्ट कहाँ से शुरू करेंगे, वन प्लेस से शुरू करेंगे। वी नीड टू रीग्रुप द टेंस एंड वंस, ठीक है, एज वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 9 वंस फ्रॉम 6 वंस। ठीक है, 6 में से 9 माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता है, है ना। वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है, 6 और 9 है, तो यहाँ पे 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस से यानी 3 से हम 1 बोरो लेंगे, तो यानी हम क्या लेंगे, 110 लेंगे। क्या लेंगे, 110 लेंगे, 110 यानी कि 1 पे 0 10। अब 10 के अंदर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये 3 10 से देखो ध्यान से एंड 6 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 10 से हमने क्या लिया, 1 लिया, तो यहाँ पे तो 2 10 हो जाएगा। ठीक है, टेंस प्लेस पे तो क्या हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा। अब हम इसको 6 को 1 10 देंगे, क्या देंगे, 1 10 यानी कि 10, 1 पे 0 10, और 10 के अंदर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 1 हो जाएगा। 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। क्या वो सब्ट्रैक्ट क्या आएगा, हमारे लेफ्ट क्या होगा, 7 3। अब आगे देखो यहाँ पे ये माइनस किया तो 7 1 आ गया हमारे पास। अब आगे देखो सेकेंड, अब हम कहाँ माइनस करेंगे, टेंथ प्लेस को, वंस प्लेस की डिजिट नंबर हमने माइनस कर दिए, अब 10 प्लेस पे हम माइनस करेंगे, तो अगेन रीग्रुप द 100 एंड टेंस एज ए वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 6 10 फ्रॉम 2 10। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 10 से हमारे पास उसमें से 6 माइनस नहीं हो सकते हैं, तो दोनों टेंस प्लेस पे देखो 2 10 है और उसमें से हमको 6 10 माइनस करा तो नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, 100 प्लेस से लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 500 है, 500 में से 100 हमने किसको दिया, 10 प्लेस को दिया, किसको दिया, 10 प्लेस को, तो 10 प्लेस को देखो यानी कि 10 प्लेस को जब हम 100 देंगे तो वहाँ पे मैं क्या दूंगी, 110 दूंगी, 110 यानी कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 10 तो ऑलरेडी 10 प्लेस है और 1 दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 400 and 12 ठीक है ना, 12 हो जाएगा, 12 टेंस हो जाएंगे, और 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या लेफ्ट रहेगा, 6। अब आगे देखो, अब हम किसको माइनस करेंगे, यहाँ पे देखो 12 टेंस में से 6 टेंस माइनस किया तो 6 टेंस। ठीक है, अब हम का किसको पे माइनस करेंगे, 100 प्लस वाले डिजिट को माइनस करेंगे तो 400 में से 200 माइनस होते हैं तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ऐसे ही आप 1000 प्लस की डिजिट को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट क्या बचेगा जाके, 5। इस तरह से आपका एग्जाम्पल था जिसमें से 4 डिजिट नंबर को हमने माइनस किया है। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये आपको नोटबुक के अंदर नोट नहीं करना है, ये ओनली मैंने समझाने के हिसाब से आपको बताया है माइनस, ठीक है, ये आपको नोटबुक के अंदर नोट नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।